आज उधमपुर और रामबन की दूरी लगभग सिमट गई है। चेनानी नासरी टनल बनने से जम्मू और श्रीनगर आने जाने में कई घंटे कम टाइम लगता है। ऐसी कई टनल जम्मू कश्मीर में बन रही है, जिससे हमारा ये राज्य देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बन रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम चल रहा है, इसलिए दिल्ली आना जाना और आसान होगा। इससे यहां फल और सब्जी के किसानों को भी बड़ा बाजार मिलेगा। साथियों, आज जम्मू कश्मीर का पानी यहां के किसानों, यहां के नौजवानों के काम आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने तो अपने हक का पानी तक सीमा पार जाने दिया, ये यहां बड़े डैम बनाने तक की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कांग्रेस तो इतने दशकों तक शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगा पाई। इसके कारण जम्मू डिवीजन की हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही थी। भाजपा सरकार न आती तो आज भी कठुआ और सांबा जिले के सैकड़ों किसान, वो हमारे किसान परिवार बेहाल होते। अब शाहपुर कंडी डैम बनने से हजारों किसानों को नई जिंदगी मिली है। आज जम्मू डिवीजन में चार बड़े बिजली कारखानों पर काम चल रहा है। पाकलदुल प्रोजेक्ट हो, कीरू पावर प्रोजेक्ट हो, रतले प्रोजेक्ट हो, क्वार पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे जम्मू वालों को बिजली तो मिलेगी ही, अनेक नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं। और इसलिए साथियों, ये ऊर्जा के क्षेत्र में क्वार प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत समस्या रही है। यहां के साथी जब मिलने आते थे तो जिला अस्पताल की बात करते थे, मेडिकल कॉलेज की बात करते थे। मोदी ने आपसे किया वादा निभाया है। आज रियासी में जिला अस्पताल अब बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उधमपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन चुका और इसकी नई बिल्डिंग के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। अभी आप सभी को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अब जम्मू कश्मीर ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद वो 7 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाएगी। भाइयों और बहनों, आज इस क्षेत्र में जो शानदार सड़कें बन रही हैं,
जो रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे टूरिज्म को भी नए पंख लगे हैं। पिछले साल ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। पिछले साल 95 लाख श्रद्धालु तो यहां माता रानी के दर्शन करने आए थे। इससे हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, फल फूल बेचने वालों, किसानों, ऑटो टैक्सी चलाने वालों सबको फायदा हुआ है। आने वाले सालों में तो पर्यटन का बहुत बड़ा विस्तार यहां होने वाला है। ABP News आपको रखे आगे।